life. With Sophia. Maman. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट की मेमनों की ट्रेडिशनल डिश लेकर आई हूँ, जो हमारे मेमनों में ब्रेकफास्ट में ख़ास तौर पे बनाई जाती है और पसंद की जाती है और शौक से खाई भी जाती है। ख़ास तौर पे ये मेरी मम्मी के घर पे भी बहुत शौक से हम लोग खाया करते थे। मुझे अभी तक याद है जब हम छोटे होते थे, मेरी मम्मी ये ब्रेकफास्ट में अंडे और प्याज का सालन जो है वो पकाया करती थी और हम बच्चे मिलके बहुत ज़्यादा शौक से खाया करते थे। तो वही ब्रेकफास्ट की अंडे प्याज का सालन मैं बना रही हूँ, भी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ना ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसके लिए मैंने देखें 6 अंडे ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने 6 अंडे मंगा के रख लिए हैं, ताज़े ताज़े अभी आए। और ये 5 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज काट ली हुई है और 3 से 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने काट लिए। और 4 मैंने हरी मिर्चियाँ ले ली हैं, इनको भी मैंने ये देखे 2-2 पीस करके काट लिए हुए हैं। हरी मिर्चियाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से। ठीक है जी, तो रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। अब इसके अंदर मैं तकरीबन ये 2-2.25 बड़े ये चम्मच में भर गए, ये आपको नज़र आ रहा होगा 2 हो गए, और ये 2.25 से 2.5 चम्मच के करीब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं ये सारी प्याज इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ 6 अंडे का सालन, तो इसमें मैंने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है ना, तो अगर आप कम अंडों का सालन बनाएं तो आप प्याज भी कम कर सकते हैं। प्याज जैसे मैंने 6 लिए हैं तो मैंने 5। अच्छा, जैसे कि आप अगर 4 अंडों का बना रहे हैं तो आप 3 से 3.5 दरमियाने साइज़ की प्याज काट लें, और इस तरीके से जैसे आप अपने अंडों के हिसाब से प्याज की कम क्वांटिटी को डाल दी। अब बिल्कुल लाइट ब्राउन, बिल्कुल इसको जैसे रेड की तरफ नहीं लेके आना है, वाइट और ज़रा ज़रा सा हल्का हल्का गोल्डन होने लगेगा ना, तो फिर इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। तो जब तक मेरी प्याज होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज देखिए हल्के बिल्कुल हल्का हल्का जैसे मैंने इसको सोते कर लिए और लाइट लाइट ब्राउन की तरफ आना शुरू हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी सारे टमाटर, और टमाटरों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बिल्कुल अच्छे से प्याज और टमाटरों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। अब इसको मैं लो टू मीडियम आंच पे टमाटर गलने तक के लिए बिल्कुल ढक के 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक बस ये टमाटर गलेंगे उतनी देर तक मैं इसको ढक के रख देती हूँ। अच्छा देखिए जी, ये मेरे टमाटर देखें आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से नरम होके और एक पेस्ट नुमा बन गए प्याज और अंडे और टमाटर का, बिल्कुल ये देखिए अच्छे से पेस्ट बन गए। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। मसाले तो कुछ भी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ना, आपको पता है ब्रेकफास्ट में तो जितने कम मसाले होते हैं तो ब्रेकफास्ट का उतना ही मज़ा आता है। तो ये बस थोड़ी आधी चौथाई चम्मच मैंने ये हल्दी की डाल दी है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची में डालूंगी मैं। लाल मिर्ची का यही बोलूँगी कि अपना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपको पता है सुबह सुबह इतना ज़्यादा तो तीखा खाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं मिर्ची कम ही रखूँगी। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डाल दूँगी, ये नमक चला गया इस पर जाएगा डाल के, और इसको फिर से मैं थोड़ा सा चम्मच घुमा लूँगी और इसको 5 मिनट में ढक के रख दूँगी, ताकि ये मसाला जो है वो टमाटर और प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये भुनने की शक्ल इख्तियार कर ले। बस ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने सारा मसाला, और इसको बस मैं हल्की 5 मिनट के लिए फिर से ढक दूंगी, ताकि मसाला अच्छे से भुनने की शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छा ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने अंडों को निकाल लिया हुआ है, ये देखिए 6 अंडे, और लेकिन इनको है ना मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, और प्याले में मैंने पहले इसलिए फिर निकाल लिया हुआ है कि अगर अल्लाह ना करे
कोई एक आध अंडा भी ख़राब निकल के सब में मिक्स हो जाएगा तो सारे के सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप एक एक करके सब अंडे चेक कर लें, इसके बाद एक साथ बीट करें। लेकिन इनको क्या करना है कि बीटिंग बीट जो करना है ना, वो ओवर बीट नहीं करना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैंने बिल्कुल ओवर बीट नहीं की है, बस ये एक एक से दो चक्कर यूं मार के बस ये सारी जो जर्दियां हैं इनको खाली हमें तोड़ देना है, ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। देखिए आप, मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा तेल भी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल गए, और आपको नज़र आ रहा होगा प्याज टमाटर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेपरेट हो, ये सब मिक्स हो चुका है आपस में, और मसाला भी और ज़बरदस्त भून चुका है। अब बस इसको दो दो सेकेंड के लिए मैं फुल आँच, चूल्हे की जितनी भी फुल आँच है ना वो कर दूँगी, ताकि जो टमाटर अभी थोड़े से जो मुझे पानी हल्का हल्का सा लग रहा है तो वो पानी खुश्क हो जाए बस, और इसको मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना चिपके नहीं, चमचा बिल्कुल भी नहीं रोकना है, चमचा चलाते रहना है जब तक इसका बिल्कुल पानी टमाटरों का जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। और ये रेसिपी आप यकीन करें अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा, ये देखिए अगर आप ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बना के खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है जी, ये देखें मेरा टमाटरों का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अब इसके अंदर में ये सारे जितने भी जो अंडे थे ना ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, इसको अंडों को शामिल करके इसको फौरन फौरन चमचा नहीं चल, आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इसी तरीके से छोड़ देना है, और आंच को जो है वो तेज़ ही रखना है, हल्का नहीं करना है। अब एक सेकंड के बाद मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से चलाऊंगी, जैसे एक ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं चलाऊंगी मैं, बिल्कुल इस तरीके से चलाती जाऊंगी मैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको घोटाला नहीं बना दिए, जैसे ये देखिए आपको नज़र, बिल्कुल हल्के हल्के मैं इसका चमचा चला रही हूँ, यूँ ज़ोर ज़ोर से चलाऊँगी तो सारे अंडे एक साथ टूट जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल मलिदा वाला नहीं चाहिए, ये थोड़े थोड़े अंडा साबुत साबुत नज़र आना चाहिए। तो ये बिल्कुल मेरे अंडे पक चुके हैं अच्छे से, आँच मैंने स्लो कर दी हुई है, ये देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब ये चूल्हा मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दी है, अब चूल्हा ऑफ़ करने के बाद ये जो पिसी हुई काली मिर्ची है ना बिल्कुल हल्की सी मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। अच्छा, छिड़क के मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी, इसको बस 5 मिनट के लिए चूल्हा ऑफ ही रहेगा, चूल्हा नहीं खोलना है, बस इसको छिड़क के और 5 मिनट के लिए मैं इसको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका, आप यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है, और उम्मीद है आपको रेसिपी समझ में आ चुकी होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो आपकी रेसिपी अच्छी बनी नहीं बनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर नए आते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।